हे थेट दृश्य आहेत अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिरातली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामलल्ला समोर साष्टांग नमस्कार घातल्याची ही दृश्य राम मंदिरातून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिरात पोहोचलेत आणि तिथे दर्शन घेत आहेत. इतर भक्त देखील आहेत जे अयोध्येत श्रीराम लल्लाच्या दर्शनासाठी आलेत, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील राम मंदिरात श्रीरामाच्या दर्शनासाठी आलेत आणि त्यांनी साष्टांग नमस्कार घालून रामलल्लाचं दर्शन घेतलंय. ही थेट दृश्य अयोध्येतली. शैलेंद्र का रुख करते हैं. शैलेंद्र, कितना भव्य और दिव्य नजारा आज के दिन नजर आ रहा है. निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हैं, रामलला का दर्शन और पूजा उन्होंने किया है. आणि पंतप्रधानांनी रामलल्लाला कमळ पुष्प अर्पण केलंय. पंतप्रधान अयोध्येच्या श्रीराम मंदिरात पोहोचलेले आहेत आणि तिथे त्यांनी दर्शन घेतलंय श्रीरामाचं. और एक ऐसी अयोध्या बन रही है जो जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर हम देख रहे हैं कि अयोध्या तेजी से दुनिया के मानचित्र पर उभर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की हर कोई जिक्र करता है. तमाम लोगों से हमने बात की जो दूर दराज से, गोरखपुर से, गुजरात से, कोलकाता से, पंजाब से यहाँ पर आए हुए थे. वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या बदली नजर आ रही है और 500 वर्षों का जो सपना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा हुआ है. और जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शन करने, पूजन करने और उसके बाद रोड शो करेंगे, तो वो लोग रुक गए. उन्हें जाना था अपने होटलों में या फिर अयोध्या से जाना था. उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि नजदीक से अपने प्रिय प्रधानमंत्री को, लोकप्रिय प्रधानमंत्री को देख पाए. और हम देख रहे हैं कि सड़कों के दोनों तरफ जो राम मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां से लेकर और वीणा चौक तक, लता मंगेशकर चौक तक तकरीबन 2 किलोमीटर का ये रामपथ जहाँ से ये रोड शो गुजर रहा है, उसमें सड़कों के दोनों तरफ जनता खड़ी हुई है अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीकी से देखने के लिए. और पूरी अयोध्या एक तरह से कहें उत्साहित और रोमांचित नजर आ रही है. हमने तमाम लोगों से बात की, यहाँ पर चर्चा इसी बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, जिस तरह से अयोध्या ये दिखा रही है कि विरासत के साथ विकास प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, अयोध्या उसके एक उदाहरण के तौर पर सामने आती है. तो निश्चित तौर पर आज एक उत्साह का माहौल हम सड़कों पर देख रहे हैं. खास तौर पर जो राम मंदिर का मुख्य द्वार है सुग्रीव किला, जहां से हम देखते हैं कि रोड शो शुरू होगा, वहां से रामपथ आगे बढ़ते हुए आप देखें तो तुलसी सदन है, हनुमानगढ़ी है पहले, उसके बाद तुलसी सदन है, उसके आगे आप बढ़े तो आगे वीणा चौक यानी लता मंगेशकर चौक आता है. तो ये पूरा रामपथ सड़कों के दोनों तरफ जनता खड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए. और खास बात यह है कि इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या है. हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए तमाम महिलाएं जो अयोध्या की या फिर जो दूर दराज से यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आई हुई है वो सड़कों के दोनों तरफ खड़ी हुई है. तो ये नजारा है जिसमें हर वर्ग के लोग दिख रहे हैं, जो बड़े संख्या में हम युवाओं को देख रहे हैं. तो ये निश्चित तौर पर हमने तमाम लोगों से बात की, वो ये कहना चाह रहे थे कि जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं उस दिन जिस दिन वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने का मौका मिला है, ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं. और बेहद एक उत्साह का माहौल न केवल बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए अयोध्या के, बल्कि हम आम लोगों के लिए देख रहे हैं. अयोध्या की आम जनता ऐसा लगता है कि राम पथ पर उमड़ आई हो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए. बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ. अब हम अपने वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी का रुख कर लेते हैं. विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. विनोद जी, 22 जनवरी का दिन, उसके बाद आज का दिन, एक जनसैलाब आज भी उमड़ कर नजर आ रहा है और साफ तौर पर आज का दिन बहुत बड़ा दिन हम कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के बाद आज यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और इससे पहले उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी. ऐसे में बड़े बदलाव की तरफ हमने देखा है कि अयोध्या जाता हुआ नजर आया है, इतिहास पलट कर रख दिया है और आज का दिन कई मायनों में बेहद खास हो गया है. गर्व मैं कहूं कि ये राममय देश में आज का जो दिन है वो मोदीमय अयोध्या है.
अब 22 जनवरी को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा था उस उत्सव को, जब देश ने ही पूरी दुनिया में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के वो सीधे सीधे साक्षात्कार किया था। वो भव्य रामलला के मूर्ति को देख के जो विह्वलता थी, आकुलता थी लोगों में, जैसे लगा कि वर्षों 500 साल का वो सपना जो है आज वो पूरा होने वाला है, कई पीढ़ियां खप गई है। तो हम जब ये बात कर रहे थे, हमारे दोनों रिपोर्टर जब अभी शैलेंद्र मिश्रा और रामेंद्र जी बात कर रहे थे, ये रोड शो और ये आयोजन जो आज बीजेपी का है वो सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है गौरव, जितना मैं समझता हूँ ये न केवल यूपी के